हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ डर्मासक्शन के बारे में। ये एक पोर क्लीनिंग डिवाइस है जिसे आप अपने घर में ही यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको वाइट हेड और ब्लैक हेड की दिक्कतें होती हैं, जिसमें वो जो मार्केट में मिलने वाली स्ट्रिप है वो भी काम नहीं करती, तो आप इसको यूज़ करके देखिए। ये है डर्मासक्शन पोर क्लीनिंग डिवाइस विद वैक्यूम एक्शन। इस प्रोडक्ट में आपको मिलते हैं चार हेड्स, स्मॉल हेड, सोनिक हेड, लार्ज हेड और ओवल हेड, और ये आपको रिटेल करता है 1300 रुपीज़ का। जब आप एक अच्छे पार्लर से फेशियल करवाते हैं तो उसमें यूज़ किया जाता है डर्मासक्शन आपके वाइट हेड और ब्लैक हेड को रिमूव करने के लिए। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट है क्योंकि ये डर्ट और ऑयल आपकी स्किन से पुल करता है, और अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपको पिंपल की भी दिक्कत होती होगी, तो इससे अगर आप अपने पोर को क्लीन करेंगे तो आप अपने पिंपल से भी राहत पाएंगे। ये बिल्कुल भी हार्श नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपकी स्किन को रेड छोड़ता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, इसके पूरे रिव्यू देखने से पहले, मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो सबसे पहले मैं इसे अनबॉक्स कर लेती हूँ। ये एक कार्डबोर्ड बॉक्स में आया है और ये मुझे 1300 रुपीज़ का मिला है। इसका लिंक मैं नीचे दे दूँगी। ये कुछ इस तरीके से पॉलीथीन या इसमें पैक होकर आया है। यहाँ आपको इसका मेन डिवाइस मिल जाता है जिसमें ओवल हेड अटैच्ड है, और इसके साथ आपको तीन अलग अलग सेक्शन हेड मिलते हैं। सबसे पहला है स्मॉल हेड, ये आप देख सकते हैं कुछ ओवल शेप का है और इस तरीके का है। दूसरा है सोनिक हेड, ये ऐसे गोल है और काफ़ी इसमें लार्ज स्पेस है सक करने के लिए आपके पोर्स को। और थर्ड है लार्ज हेड, आप देख सकते हैं तीन हेड्स इनके साथ मिले हैं मुझे, और एक इसमें लगा हुआ मिला है इस डिवाइस में। ये डिवाइस बैटरी ऑपरेटेड है और इसमें 2 AA बैटरीज डलेंगी और उसके बाद ये 1.5 घंटे तक चलेगा। इसका एक यूज़ सिर्फ 5 to 6 मिनट्स का ही काफ़ी है आपके पोर्स को क्लीन करने के लिए, तो ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है। मैं आपको पहले दिखाती हूँ हाथ पे की से कैसे यूज़ करना है। यहाँ पे ये ऑन दिया गया है, ये हाई स्पीड है। अगर आप इसको हल्का सा नीचे करेंगे तो इसमें आपको मीडियम स्पीड भी मिल जाएगी, तो अगर आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं तो आप मीडियम स्पीड में चलाएँ, ना कि हाई स्पीड पे। अब मैं आपको दिखाती हूँ हाई स्पीड पे ये किस तरीके से करता है। आप देख सकते हैं ये स्किन को सक कर रहा है। मैं आपको क्लोजअप दिखाती हूँ, ये देखिए आप इसे मूव कर पा रहे हैं और ये इस तरीके से स्किन को सक कर रहा है। तो क्या होता है कि हमारा फेस बहुत ज़्यादा सीबम प्रोड्यूस करता है, तो उसकी वजह से आपके पोर्स क्लॉग होते हैं, तो ये हेल्प करता है उसको पुल आउट करने में। तो आप देख सकते हैं ये अच्छे से स्किन में अटैच हो जा रहा है, उसके बाद आप इसको हल्के से सक करके अपने पोर क्लीन कर सकते हैं। अब मैं इसको अप्लाई, इसका एप्लीकेशन आपको नोज़ में दिखाती हूँ। जो भी आपका प्रॉब्लम वाला एरिया है वहाँ पे आपको इसको ऐसे करके और हल्का सा करके सक करवा लेना है वो उस एरिया को। खासकर लेडीज़ को पता होगा कि उनको प्रॉब्लम होती है यहाँ पे, तो आप यहाँ से सारा अपना ऑयल एंड डर्ट करके रिमूव कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि किसी भी तरीके की कोई रेडनेस नहीं हुई है और ये नोज़ को एकदम क्लीन कर देता है। अब बात है इसको क्लीन कैसे करें। इसका जो नोज़ हेड है वो इस तरीके से पुल करने से निकल जाता है। अगर इसको मल्टीपल लोग यूज़ कर रहे हैं तो ये ज़रूरी है कि आप इसको सैनिटाइज करें। आप इसको अच्छे से सैनिटाइज कर सकते हैं अल्कोहल से, या फिर आप इसे सैनिटाइज कर सकते हैं हैंड वॉश से, और आप इसे उसके बाद मल्टीपल लोग भी यूज़ कर सकते हैं, तो एक ही प्रोडक्ट कई लोग यूज़ कर पाएंगे। अगर आपका नोज़ एरिया काफ़ी बड़ा है तो आप इसके दूसरे हेड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ आपको मिल जाता है सोनिक हेड, लार्ज हेड, स्मॉल हेड, और सोनिक हेड काफ़ी बड़े एरिया के लिए काफ़ी अच्छा है। तो ये था मेरा डर्मासक्शन का रिव्यू। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा। इस वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगली बार। टेक